Hi everyone, I'm Suvarna and welcome to my channel. आज मैं आपको crispy fried onions और birista biryani के लिए कैसे बनाते हैं वो आपको वो दिखाने जा रही हूँ. So let's get started. इसके लिए onions थोड़ा thinly slice करना है. हो सके तो सब equally slice कीजिए. And एक कढ़ाई में 5 to 7 tablespoons oil डालिए and low flame में इसको थोड़ा moderately गर्म कीजिए. जब ये थोड़ा गर्म हो जाए इसमें ऑनियंस थोड़े थोड़े करके इसमें डालिए. एंड ध्यान रखिए कि फ्लेम थ्रू आउट द प्रोसेस लो ही होना चाहिए, हाई पे नहीं रखे वरना वो जल जाएंगे. एंड इसको कंटिन्यूसली हिला मिक्स करना है ताकि सब इक्वली फ्राई हो जाए. ये आप थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं ये फ्राई होने थोड़ा इसकी कलर चेंज हुआ है. तो जब ये गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं इसको तुरंत आप निकाल देना चाहिए वरना ये और डार्क ब्राउन हो जाएंगे जो टेस्ट अच्छा नहीं होता है, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता है. तो निकालने के बाद इसको टिश्यू पेपर पे डालना है एक्सेस ऑयल अब्जॉर्ब करने के लिए. एंड द सेम प्रोसेस आप बाकी ऑनियंस के साथ भी करें. एंड उसको भी फ्राई होने के बाद गोल्डन ब्राउन होने के बाद उसको भी निकालें और टिश्यू पेपर के ऊपर ऐसे डालें. ऐसे मैंने मेरे एक दो ऑनियंस किए थे. दो ऑनियंस से मुझे मैंने दो ऑनियंस को 3 times ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैंने फ्राई कर दी. एंड इसको ऐसे टिश्यू के ऊपर पूरा ठंडा होने तक रखें ताकि ये बाद में क्रिस्प हो जाए. अब देख सुन सकते हैं कितना ये क्रिस्प है, ऐसे बन जाएंगे ठंडा होने के बाद. तो ये सब रेडी हो गए. तो इस ऑनियंस को आप तुरंत यूज़ नहीं कर रहे तो एक टाइट कंटेनर में डालिए एंड इसको फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं बाद में यूज़ करने के लिए. तो आप एक बार इसको ट्राई कीजिए एंड कैसे आया है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.